सोसाइटी के अंदर पैदा करना चाहते हैं। बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं। और जो जहां पर लोग बैठे हैं, जो उनकी नेटवर्क में शामिल हैं, उनकी भी हमें खबर है। सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है, और इस कार्रवाई को किसी भी सूरत में नरम नहीं किया जाएगा, इसको और सख्त किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के यूथ को जो नुकसान पहुंचाया है, ये जिंदगी से मौत तक तब्दील करने का जो सिलसिला, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे को जो मिलिटेंसी में धकेलने का सिलसिला, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्प्रेड करके पाकिस्तान के हैंडलर्स और एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, इसको हर तरीके और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है, मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चल निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है, और बहुत सारे लोग जो बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल है, टेरर क्राइम में शामिल है।